हे है व्हाट्सअप गाइस, मैं अंकित अरुणाचल आपको स्वागत करता हूं। और आज का ब्लॉग जो है यामाहा R15 V3 की एक्सेसरीज पे होने वाला है। तो गाइस, मैंने अमेजोन वेबसाइट से यामाहा R15 V3 का टैंक पैड ऑर्डर किया था और मुझे ये प्रोडक्ट 5 दिन बाद में रिसीव हुआ है। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कैसे क्या सीन है। भाई लोगों, मेरे को जो है प्रोडक्ट को खोलते ही क्या क्या है इसमें, जंग लगा हुआ की चेन मिला है। इस की चेन के ऊपर जो है पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। तो गाइस, मैंने जो है प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर ली है और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से रिसीव होता है कार्डबोर्ड के बोर्ड के अंदर। और इसमें जो है की चेन भी आता है और दो पार्ट के अंदर स्टिकर रिसीव होते हैं। और अब इन स्टिकर को बाइक पे कैसे अप्लाई करना है, कैसे इनको इंस्टॉल करना है, वो वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टिकर को कैसे अप्लाई करना है बाइक पर मैं वो बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको काम का लगा या फिर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें।